हेलो गाइस, आज है संडे और संडे के दिन घूमी घूमी तो बनता है ना। तो घूम घूम के हाँ, हमको मन कर गया कुछ पीने का, कुछ खाने का। तो यहाँ पे हम आइसक्रीम शॉप पे हम चले गए थे, वहाँ पे हार्दिक ले रहा है बटर स्कॉच शेक ले रहा है। वैसे बहुत दिनों से पिया भी नहीं था और बोल रहा था कि मम्मी मुझे शेक पीना है, तो उसको वहाँ पे ले गई। और ये भैया बना रहे हैं शेक, बना रहे हैं बटर स्कॉच का। मैंने सूज करके दिया कि बटर स्कॉच है। और ये देखिए, हार्दिक का बटर स्कॉच शेक, मिल्क शेक रेडी हो गया, ये पीने भी लग गया। तो मैंने बोला रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के पियो आराम से। तो हम रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं और हम तो नहीं पियेंगे शेक, हम चाय और साथ में पेटीज ले रहे हैं। पेटीज, यहाँ का पेटीज और चाय बहुत ही अच्छा है, मतलब गर्मा गर्म मिल गया है, बहुत ही टेस्टी वाला। ये देखिए चाय एकदम, मतलब कितना डिलीशियस लग रहा है। और हम ये खा रहे हैं तीनों बैठ के। संडे का मज़ा अलग होता है ना, थोड़ा घूमी, थोड़ा मस्ती, थोड़ा इधर उधर जाना। तो हम डिसाइड करें अब कहाँ जाना है। हमारा तो खाना पीना सब हो गया, हार्दिक ने मिल्क शेक पी लिया, हम चाय और पेटीज पी लिए, खा लिया। तो हमारा डिसाइड हुआ कि हम यहाँ पे गणेश घाट है ना, वहाँ पे जाएंगे। तो ये देखिए, इतने दिनों पानी हुई थी ना, पानी के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये पेड़ गिरा हुआ था पानी के कारण। तो ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ पे लोगों के एकदम फुल भरमार है। कोरोना के बाद से, एकदम से जब लॉकडाउन वगैरह सब हट गया, तो जहाँ भी जाओ लोग मतलब रहते ही रहते हैं। मतलब 2 साल एंजॉय नहीं किए लोगों ने, तो हाँ जब मौका मिल रहा है तो फुल एंजॉय कर रहा है। हम भी तो निकल ही आ रहे हैं, तो हम तीनों यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। यह है ब्रह्मपुत्र नदी, कितने किसी ने दिया बाती यहाँ पे जला के रखी है, कुछ पूजा वगैरह हो रहा था शायद। तो वहाँ पे 15-20 मिनट बैठने के बाद हम अभी तो घर के लिए नहीं निकल रहे हैं, एक चक्कर घूम रहे हैं। मतलब अच्छा लगता है ऐसे ही ठंडी ठंडी हवा खाना। वैसे बारिश के बाद से अभी धूप निकल रही है ना, तो यह मंदिर तो धूप निकल रही है ना, तो थोड़ी सी गर्मी हो रही है, तो हवा खाना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा बाइक पे जाके। तो हम एक चक्कर मार के फिर घर के लिए आएंगे, अभी थोड़ा सा घूम लेते हैं, मज़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए, एक चक्कर मार के 7 बजे के करीब शायद हम घर पहुंच गए थे। फिर हाँ, आप लोगों को बताया था ना, रूम को थोड़ा चेंज करना है, मतलब रूम एकदम से चेंज नहीं करना है, अलग घर में नहीं जा रही हूँ, बट अपने ही जो रूम है उसको ही मतलब थोड़ा सा कि हम मेक ओवर करते हैं। चलिए, अब मेक ओवर करने की बात आप लोगों को बताई थी ना, तो उसी का प्रिपरेशन चल रहा है। और ये करते करते 8:30 बज गए हैं, और हार्दिक यहाँ पे नीचे बैठ, नीचे जो मैट्रेस नीचे बिछा के रखा है वहाँ पे ये जंप कर रहा है, और अभी दूसरे रूम में बेड वगैरह को खोल रहा है। हमारा जो लोहे का बिस्तर है, हमारा लोहे का बेड है, तो इसमें स्क्रू वगैरह लगे रहते हैं ना, तो उसको ही अभी खोल रहे हैं। वैसे बहुत टाइम लग गया, हमसे तो कुछ होता होगा नहीं, मतलब इसके लिए कोई क्या बोलते हैं इसको, मेल की ज़रूरत होती है ना, हम नहीं कर पाते, बहुत हेवी हेवी चीज़ें। तो अभी ने अकेले ही कर दिया, फटाफट से सारे स्क्रू वगैरह खोले, बेड वगैरह खोले। और ये देखिए, इस रूम में अभी ने 10 बजे तक बेड भी लगा दिया है। और इस रूम की साफ़ सफाई क्लीनिंग मैं कल ही करूँगी, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि लुक कैसा आया है, कहाँ क्या रखा है। वैसे कुछ भी सेट नहीं हुआ है, बस रात है तो सोने के लिए फटाफट, मतलब नींद आ गई थी तो थोड़ा वो कर लिया था सेटिंग, बेड वगैरह लगा ली थी। फिर सुबह हो गई, सुबह में ये देखिए धूप निकला है अच्छा खासा। तो सुबह में मेरा जो हमेशा का ड्यूटी रहता है अभी के लिए टिफ़िन पैक करना, तो उनके लिए मैंने रोटियां बना ली, नींद आ रही है मुझे, रोटियां बना ली। फिर रोटी को उनको टिफ़िन में मैं पैक कर रही हूँ फटाफट से। वहाँ पे हार्दिक भी उठ गया है, उसका सुसु पॉटी वगैरह चल रहा है। तो ये देखिए,
यहाँ पे बेड लाई, जहाँ जिस रूम में पहले लिविंग रूम था, सोफा वगैरह था, यहाँ पे बेड को ले आई थी। बेड को यहाँ पे लाने का और एक कारण था, उस रूम में ना सीलिंग फैन नहीं था, तो गर्मी के कारण मुश्किल होता है ना रहना। तो ये मैं हाडी को स्कूल में छोड़ के घर आ गई हूँ। ये देखिए सारा कुछ कल का कचरा वैसे का वैसे ही पड़ा है, तो फटाफट से चलिए काम पे लग जाते हैं। अब पहले ना बेड को ठीक कर लेते हैं। एक कमरे का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बेडरूम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है बेड। अगर वो बेड क्लीन ना रहे, बेड एकदम से ऑर्गेनाइज ना रहे, तो आप जितना भी रूम को क्लीन करो, रूम को जितना भी सजाओ, वो लुक उभर के नहीं आता है ना। तो मैं पहले फटाफट से आके ही बेड को लगा ले रही हूँ, ताकि मैसी मैसी ना दिखे। वैसे भी छोटा सा रूम है, अगर बेड ही क्लीन नहीं रहेगा तो थोड़ा सा ख़राब लगेगा ना। तो पहले मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद चलता रहेगा मेरा काम, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही काम है, क्योंकि ज़्यादा ही काम है। इस रूम का सारा झाड़ू पोछा बाकी है, कल बस बेड वगैरह को इधर से उधर शिफ्ट किया और कुछ नहीं किया, साफ वगैरह उतना हुआ नहीं कल, थोड़ा बहुत ही साफ किया जिससे कि हम आराम से सो पाए और एकदम साफ सुथरे से अच्छे से खाना खा पाए, उतना ही साफ किया, बाकी रख दिया था। क्योंकि घर में आप अगर लोग रहे तो होता नहीं है काम, है ना। तो मैंने सोच के रखा था कि आज तो रात में नहीं करूँगी, कल रात जितना भी किया 90% अभी नहीं किया मेरा जितना वगैरह मैं बना रही थी, तो सोच के रखा था कि मैं दिन में करूँगी, हार्डी को स्कूल में छोड़ के आऊँगी फिर करूँगी। ये मेरा बेड लग गया है, उसके बाद सोफे को प्रॉपर तरीके से ठीक करूँगी, उसके बाद पोछा वगैरह लगाऊँगी। मुझे ना घर वगैरह साफ करना, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना मतलब पसंद है, जिससे कि एकदम दिखने में अच्छा लगे, ऐसा अच्छा लगता है मुझे करने में। मुझे मैसी मैसी घर में एकदम से आ जाऊँ ना कहीं बाहर से, तो इतना गुस्सा आता है ना, गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है। जब तक मैं साफ ना करूँ उस रूम को, तब तक मुझे मतलब वो नहीं होता, चैन नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पे सोफ़े को खिसका रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि सोफ़े को एक लाइन में ही रखूँ, इस साइड में नहीं रखूँगी, इस साइड में कुछ और भी चीज़ें रख सकती हूँ, जैसे हार्डिक के खिलौना वगैरह, उसके लिए भी तो अलग से जगह चाहिए ना, वो सब रखूँगी, इसलिए मैंने सोफ़े को लाइन में लगा दिया। वैसे हबी ने सोफ़ा ऐसे एक सिंगल सोफ़ा को साइड में ही रख दिया था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि हार्डिक के टॉर्च वगैरह रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। फिर पोछा झाड़ू वगैरह कर लेते हैं, वैसे उतनी धूल नहीं है क्योंकि कल हबी ने बहुत अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दिया था यहाँ पे, तो उतनी ही धूल वगैरह यहाँ पे नहीं है। बस मुझे इसको अच्छे से पोछा लगाना है, उसके बाद क्योंकि मेरे पास अभी अनलिमिटेड टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे हाडी के स्कूल के लिए भी तो निकलना है ना। तो ये देखिए बेड तो मेरा लग गया, अभी थोड़ा रूम अच्छा अच्छा लग रहा है ना। क्या बोल रही थी, हाँ हाडी के स्कूल के लिए भी तो निकलना है ना, तो मेरे पास अभी अनलिमिटेड टाइम नहीं है। हाँ, उसको स्कूल के लाने के बाद मेरे पास बहुत टाइम होगा, बट तब तक के लिए मैं ये काम नहीं रख सकती। तो मैं पोछा लगा रही हूँ और मैं बैठ के लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थोड़े थोड़े धूल के कण हैं, तो जो जिससे मोबर वगैरह में उतना ऐसा नहीं जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे बैठ के पोछा लगा रही हूँ। और अभी मुझको बोलते हैं कि बैठ के ही पोछा लगाओ, बैठ के पोछा लगाने के फ़ायदे हैं ना, एक तो पेट में चर्बी वगैरह जम जा होती है ना, वो चर्बी कम होती है, बैठ के आप पोछा वगैरह लगाओ ना,
तो वो हाथों के लिए भी अच्छा होता है, पैरों के लिए अच्छा होता है, और ज़्यादातर मतलब पेट की चर्बी के लिए अच्छा होता है अगर आप बैठ के पोछा लगाओ। वैसे मैं इस रूम को ही बैठ के पोछा लगा रही हूँ, जितना भी अच्छा हो, जितना भी हेल्थ के लिए अच्छा हो, मैं नहीं कर पाती हूँ, हाँफने लग जाती हूँ। वैसे मैं ट्राई करूँगी कि बैठ के ही पोछा लगाऊँ। ये देखिए, इस रूम को मैंने बैठ के पोछा लगाया, उसके बाद इतनी मतलब हाँफ रही थी ना, इतनी थकान सी आ गई थी बॉडी में। मतलब दूसरा दो रूम है ना, मैं मोबाइल से ही लगा दी, बैठ के लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। वैसे फ़ायदे बहुत है बैठ के पोछा लगाने में। तो ये हमारे स्टैंड फैन, टेबल फैन वगैरह है, तो उसको मैं जगह पे रख रही हूँ। हार्डी के बुक्स वगैरह भी मैं सेट कर रही हूँ। पता नहीं कैमरा बीच बीच में ब्लार होता जा रहा है। हाँ तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा। रूम चेंज किया इसमें, और पहले पार्ट में आइसक्रीम पार्लर गई, घूमने गई, और बैठ के पोछा पोछा भी लगाया। होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू।